ਸਾਵਾਦਾ ਵੀਰ ਮੈਨੇ ਸਿੱਖਾ ਪਧਿੰਗ ਸਮਾਧਿਆਮੀ दस लाख रुपया खर्च कर कर दिल्ली में हजार आदमी इकट्ठे किए गए और 15 लाख रुपए इकट्ठे कर कर अगले हफ्ते दिल्ली के पास में एक रंगारंग कार्यक्रम है। 4 लाख रुपए खर्च कर कहीं कार्यक्रम है, 6 लाख रुपए खर्च कर कर कहीं कार्यक्रम है और जो अधिवेशन लगते हैं उसमें तो जो बजट है वो कई लाख का और जो बताते हैं कि करोड़ों रुपया इकट्ठा होता है तो करोड़ों का बजट है। कार्यक्रम लगेंगे तो पैसे खर्च होंगे इसमें कोई शक नहीं है, मगर कार्यक्रम लगें और पैसे खर्च करें और पैसे खर्च हों तो कार्यक्रम से मिला क्या, उसका आउटपुट क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा है, उससे समाज को क्या फ़ायदा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, उन्होंने ये नहीं कहा था पे बैक टू संगठन, उन्होंने ये नहीं कहा था पे बैक टू ग्रुप्स या पे बैक टू पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने कहा था पे बैक टू सोसाइटी। इसको अच्छी तरह से समझें, हिंदी में इसका मतलब है हमें समाज को कुछ देना है। क्या देना है, बाबा साहब ने स्पष्ट बताया है, रिसोर्सेज देने हैं यानी संसाधन देने हैं और हमें समय देना है। कितना देना है, 5% यानी कि अगर हमें हमारे पास 24 घंटे हैं तो 24 घंटे में 5% का 1 घंटा बनता है और 4 घंटों में से 5 मिनट के कुछ मिनट बनते हैं, तो हमें लगभग 1 घंटा 10-15 मिनट रोज़ देना है समाज को। और रिसोर्सेज क्या देने हैं, आपके पास में अगर ज्ञान है तो ज्ञान दीजिए, आप पढ़ाना जानते हैं तो पढ़ाइए, आप सरकारी अफसर हैं तो सरकारी अफसरी में जो उनकी मदद कर सकते हैं समाज की वो कीजिए, आप अगर डॉक्टर हैं तो 5% अपना टाइम और टैलेंट और अपनी डॉक्टरी का फ़ायदा समाज को दीजिए, आप अगर वकील हैं तो आपका रिसोर्सेज क्या है, कानून है, वकालत है, लोगों की मदद करना है तो 5% वो देना है, आप अगर इंजीनियर हैं तो टेक्निकल मदद कीजिए, आप अगर किसान हैं तो 5% जो फसल का होता है वो गरीबों को मदद दीजिए, आप अगर कोई कामगार हैं, कोई इंडस्ट्री के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं तो 5% उसमें से दीजिए। ये 5% आपको अपने कार्य में से, जो कार्य आप जानते हैं, जो स्किल आप जानते हैं, जो टैलेंट आप जानते हैं और समय देना है आपको, इसके लिए बाबा साहब ने कहा है। और स्पष्ट सुन लीजिए इस बात को ध्यान से कि उन्होंने कहा है समाज को वापस करना है, संगठन को वापस नहीं करना है, ग्रुप को वापस नहीं करना है, और देना है, लेना नहीं है, यानी पे बैक टू सोसाइटी, सोसाइटी से लेना नहीं है, सोसाइटी को देना है, समाज को देना है, समाज से लेना नहीं है। यहाँ सारा मामला ही उल्टा हो गया है, यहाँ लोगों ने धमकाना शुरू कर दिया, ओए बाबा साहब ने कहा है 5वां हिस्सा दे, 5% दे, बाबा साहब ने कहा है तू अपनी आमदनी में से दे, तू अपने पैसों में से दे, तू अपनी तनख्वाह में से दे, और लोग पैसे लेने लगे और पैसे वो लेने लगे जिनको पैसे देने चाहिए थे, बस समाज का दर्द ज़्यादा है, समाज की समझ ज़्यादा है तो तुमको देना चाहिए, तो कहते नहीं हम देंगे, और ऊपर से धमकाना शुरू कर दिया, तुम बाबा साहब के हरामखोर हो, तुम बाबा साहब के नलायक हो, तुम बाबा साहब का माल खा के बैठे हो, तुम बाबा साहब का आरक्षण खा के बैठे हो, तुम्हारी चर्बी मोटी हो गई, तुम्हारी आंखें मोटी हो गई, बाबा साहब ने कहा पे बैक टू सोसाइटी करनी है और तुम देते नहीं हो, लाओ 10,000 रुपये, लाओ 5,000 रुपये, लाओ 15,000 रुपये, धमका धमका के लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोगों ने, जिनको ये लोग कहते हैं कि वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और वो पैसा इकट्ठा करने का उनके पास लाइसेंस है, वैसा ही लाइसेंस इन्होंने अपने आप बना लिया समाज को धमकाने के लिए, जबकि समाज को देना था। तो क्या परिणाम हुआ इसका, परिणाम ये हुआ कि लोग अपनी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आ गए, अलग अलग दुपट्टे पहन के आ गए, अलग अलग रंगों के दुपट्टे पहनते हैं, अलग अलग रंगों की टोपी लगा के आ गए, अलग अलग रंगों के कुर्ते पहन के आ गए, अलग अलग रंगों की जावर कट और जैकेट पहन के आ गए,
और अलग अलग रंगों के जूते, चप्पल, स्टाइल और अलग अलग बड़ी बड़ी कारें लेके आ गए। आई कहाँ से सारी? समाज के पैसे से, क्योंकि समाज को धमका के कहते हैं दो पैसे, बाबा साहब ने कहा है पे बैक टू सोसाइटी। तो इसको समझ लो भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ पैसा जा रहा है वहाँ वहाँ से हमें मौत आ रही है। ये सारे संगठन जितने भी काम कर रहे हैं इनका परिणाम जीरो है, और जीरो ही नहीं है, निगेटिव है। ट्रेन उल्टी जा रही है, कारवा उल्टा जा चुका है। बाबा साहब बहुत दूरदर्शी थे, उनको पता था कि ये नालायक क्या करेंगे, इसलिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कारवा ना बढ़ा सको तो वहीं छोड़ देना, ये मेरा मैसेज है। इन्होंने कारवा बिल्कुल पीछे कर दिया। क्यों पीछे कर दिया, कैसे पीछे कर दिया, आप इनसे बात करोगे तो कहेंगे जन जागृति हमारी वैसे आई है, जागृति हमारी वैसे आई है। अरे भाई, जिनकी जागृति आती है उनके अधिकार बचते हैं, जिनकी जागृति आती है उनके अधिकार बढ़ते हैं, जिनकी जागृति आती है उनकी नौकरियां बढ़ती हैं, जिनकी जागृति आती है उनकी जमीन जायदाद बढ़ती है, जिनकी जागृति आती है उनके बिजनेस बढ़ते हैं, जिनकी जागृति आती है उनके अवसर बढ़ते हैं। तुम्हारे तो जागृति आने के बाद में सब घट गए। तुम्हारे अवसर निकाल दिए गए, उनको VRS CRS दे दिया, जहाँ अवसर लगते थे वो डिपार्टमेंट बंद हो गए, लेटरल एंट्री शुरू हो गई, इंडस्ट्री है नहीं, दुकान चलती नहीं, दुकान लगा नहीं सकते, पैसा है नहीं, ज़मीनें जा चुकी हैं। तो कैसी जागृति लेके आ रहे हो, कैसा जन जागरण कर रहे हो, और ऊपर से समाज को धमका रहे हो कि पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो। दरअसल ये जो पैसा देने का जो काम है, इसी से हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा कारवां इससे पीछा गया है। क्योंकि पैसा जब आता है और ख़ास तौर से समाज के लोगों को धमका कर जब चंदका लिया जाता है और उनको ना हिसाब दिया जाता, ना उनको ये बताया जाता कि आखिर इस पैसे से जो मूवमेंट चल रही है उसका मिला क्या, उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका परिणाम क्या रहा, तो ये लोग उस पैसे को पानी की तरह बहाते हैं, क्योंकि इनका पैसा तो है नहीं, पैसा तो समाज का है, इसलिए ये पैसे को अनाप शनाप उड़ाते हैं। 15 लाख, 10 लाख, 20 लाख, इनसे पूछो, मैंने पूछा कई लोगों से, भाई तुमने ये 10 लाख खर्च किया, 15 लाख खर्च किया, आप भी पूछना मिला क्या। तो कहते जी लोग इकट्ठे हुए। अरे भाई, कितने लोग इकट्ठे करोगे, कहाँ कहाँ इकट्ठे करोगे, कहाँ कहाँ जागरण करोगे, तुम इकट्ठे नहीं होगे कभी। कह रहे जी हम तो नहीं इकट्ठे होते, हम तो करते हैं, हम तो हर साल पैसे लेंगे। एक व्यक्ति ने तो मुझको ये कहा कि ये जो आप वीडियो बना रहे हैं, ये जो समर संघ वीडियो बना रहा है, ये जो समर संघ के लोग और विदर पीपल के लोग बार बार कह रहे हैं कि पैसे मत दो भाई, ये जहर है, जहर है, हम तो पैसे लेंगे, आप कौन होते हैं हमें मना करने वाले। मैंने उनसे कहा, भाई देखो, हम लीडर्स और जो नेता हैं उनको कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनका धंधा है। जैसे वो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण का पूजा पाठ करना और पैसा लेना, दान दक्षिणा लेना धंधा है, वैसे ही हमारे जितने नेता हैं सभी तरह के, चाहे वो धम्मिक हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो लड़कों के दल बल हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के हैं, सबका धंधा है। सब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ के ख्वाब देखते हैं, कुछ के पूरे हो जाते हैं, कुछ के पूरे होने में अभी देर है, कुछ लटक जाते हैं। कोई छोटी गाड़ी में चलने को तैयार नहीं है, समाज दे रहा है तो छोटी गाड़ी में क्यों चलें, क्यों हम 2 लाख रुपए वाली गाड़ी में चलें, या क्यों हम पुरानी गाड़ी लें, जब समाज दे रहा है तो अकेले बैठ के चलेंगे ना उसमें। तो जब समाज दे रहा है तो खर्च करो, खूब बड़ी बड़ी गाड़ी, खूब बड़ा बड़ा डीजल, खूब बड़ा बड़ा पेट्रोल, अकेले चलो, बड़ा मोबाइल, महंगी स्टाइल, महंगा खाना, महंगा होटल, कौन पूछने वाला है, वो हिसाब तो मांगता नहीं समाज, और कभी किसी ने मांगा भी तो किसने दिया नहीं, देगा कौन और मांगेगा कौन। इसलिए इस पैसे के बंटवारे की वजह से, इस पैसे को खर्च करने की वजह से, और इस बिना मेहनत के पैसे को, बड़ा अच्छा धंधा है, एक संगठन बना लिया, बाबा साहब का संगठन है, 4 लोगों ने मिलके, 5 लोगों ने मिलके, 10 लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा कर लिया, पहली बार में आ गया, बहुत बड़ी आमदनी हो गई, फिर हर साल उसको रिपीट करेंगे। कुछ लड़के इकट्ठे हो गए, हम तो बुद्ध का महोत्सव करेंगे, बुद्ध का एक म्यूजिकल कार्यक्रम करेंगे, 4-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, साल भर का इंतजाम हो गया। मगर ये सारे के सारे जो उत्सव और सारे सारे चीज़ें हो रही हैं चंदों की वजह से, इसका फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि फायदे को आप चेक नहीं कर रहे हैं, फायदे को देख नहीं रहे हैं। क्या धम्म बढ़ा, क्या लोग धम्मिक हुए, पता चला कि वो जो लड़के चंदा इकट्ठा करते हैं वो तो शराब पीते हैं, वो तो सुरा मेरे मज्जा पमादे ठाना कोई ठेंगा दिखाते हैं, वो तो व्यभिचार करते हैं। तो आपने कभी चेक किया, आपने पूछा ना, आपने पूछा तो धम्म कैसे बढ़ेगा,
नाचने गाने से धम नहीं बढ़ता, धम के लिए सदाचार होना चाहिए। तो बुद्ध ने कौन से पैसे इकट्ठे किए, तो बुद्ध ने कौन से नाचने गाने के कार्यक्रम लगाए, तो बुद्ध ने कौन से ये सारी सारी महफिलें सजाईं। जंगल में जाते थे, पाठशाला बनाते थे जिसको बिहार बोलते थे, वहाँ सिखाते थे, पढ़ाते थे, ऐसे ही टीचर तैयार किए, ऐसे ही काम किया और किसी से पैसा नहीं मांगा। एक टाइम की रोटी खाते थे, पैदल चलते थे, दो जोड़ी कपड़े, वो भी जो कूड़े पर कपड़ा आता था 500 कुलिक उससे बनाते थे। तो काम हुआ तो पूरे देश में धम्म फैला और अब सारे लोग म्यूजिकल कार्यक्रम कर रहे हैं, हिट कार्यक्रम कर रहे हैं, लगातार लगातार महोत्सव हो रहे हैं, मगर धम्म तो नहीं बढ़ रहा, धम्म तो वहीं रुका हुआ है। हाँ, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए लोग इस काम को जरूर कर रहे हैं, क्योंकि लोग पैसा देते हैं तो अपना फोटो लगाते हैं, तो फोटो आगे बढ़ता है, तो नाम आगे बढ़ता है, तो MP MLA के टिकट की दावेदारी बढ़ जाती है। ये काम के लिए सारे के सारे लोग समाज का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए। अगर उनका निजी फायदा ना होके और सामाजिक फायदा होता तो समाज के सारे लाभ गए नहीं होते, समाज का संविधान खतरे में नहीं आता। समाज सारा अगर सारा का सारा फायदा होता तो ये जो नौकरियां जा रही हैं, ये जो प्रमोशन जा रहा है, ये जो बेरोजगारी हमारे बच्चों में आ गई है, ये जो काम धंधे खत्म हो गए हैं, ये नहीं होते, ये बढ़ जाते। इसका मतलब पैसा समाज से लिया जा रहा है मगर व्यक्तिगत कामों के लिए और पॉलिटिकल इच्छा के लिए हो रहा है, और मास्टर ताले के लिए और चाबी के लिए और पॉलिटिकल गेन से कुछ नहीं होने वाला। ताले चाबी खोल के आपने देख लिए हैं और देख लीजिए, हर तरह के संगठन को आप अजमा के देख चुके हैं और देख लीजिए, हर तरह की पॉलिटिकल पार्टी ये समर्थ समाज के लोगों की बनी हुई है वो सब आप खोल के देख चुके हैं, अजमा के देख चुके हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। होगा वही जो बाबा साहब ने कहा है, संघ में रहो, ऑर्गेनाइज रहो, जो बुद्ध ने कहा है संघं शरणं गच्छामि। इसलिए जितनी जल्दी बचना है उतनी जल्दी इकट्ठे हो जाइए, और जितनी जल्दी बचना है उतनी जल्दी इन संगठनों को पैसा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने नहीं कहा है कि संगठनों को पैसा देना है, बाबा साहब ने कहा है समाज को पैसा देना है। और पैसे के लिए नहीं कहा, बाबा साहब ने कहा है समाज को रिसोर्स देना है, समाज को टाइम देना है, समय देना है। इसलिए आदमियों को जोड़िए, उनके टैलेंट को जोड़िए, पैसे को मत जोड़िए। समर संघ वी द पीपल कभी भी पब्लिक से पैसे नहीं लेता और कभी भी पैसे लेगा भी नहीं, और पैसे की आवश्यकता भी नहीं है। यहाँ व्यक्ति जोड़े जाते हैं, यहाँ कोई नेतागिरी नहीं है, यहाँ सब लोग बराबर हैं। ये जो समर संघ है ये पुराने जो संघ का सिद्धांत था उस पर आधारित है, इसलिए इसमें बहुत तेज़ी से लोग जुड़ते जा रहे हैं। और अगर आप इसमें आके देखना चाहते हैं तो इसमें अंदर आइए, इसमें आके देखिए, इसकी कार्यप्रणाली वही है जो बुद्ध से पहले जो समर संघ हुआ करता था उसकी कार्यप्रणाली थी। अगर आप यहाँ आएंगे, आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई इकट्ठा होने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं है। पैसे जो इकट्ठे करते हैं वो अपना नाम, अपना फोटो बढ़ाने के लिए, अपने आप की ख्याति फैलाने के लिए करते हैं, इससे कोई परिणाम नहीं आने वाला। लोगों ने 35, 40, 38, 36 कितने कितने अधिवेशन लगा रहे हैं, वो एक बीमारी हो चुकी है, वो एक ट्रेडिशन हो चुका है। उससे अगर रिजल्ट आने होते तो रिजल्ट अब तक आ चुके होते, अब तक हम बच चुके होते। हम बार बार ये पूछते हैं कि भाई और कितने अधिवेशन लगाओगे, और कितना सम्मेलन करोगे, और कितना पैसा चाहिए, कैलकुलेट करके जोड़ गुणा करके एक साथ बता दो, समाज एक साथ दे देगा। और हमें ये बता दो कि समाज को अब तक दिया क्या है और समाज को मिलेगा क्या। तो इस सब्जेक्ट पे, इस बात पर सारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सम्मेलन करने से और लोगों को अलग अलग इकट्ठे करने से लोग टूटते हैं, लोग जुड़ते नहीं हैं। लोगों को जोड़ने के लिए संघ की आवश्यकता है, लोगों को जोड़ने के लिए उस काम की आवश्यकता है जो बहुत पहले, बुद्ध से पहले हमारे लोगों ने किया था, उससे सफलता मिली थी। इसलिए आपको अगर अपने बच्चे बचाने हैं तो आप पैसे देने बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि ब्राह्मण को दिया हुआ पैसा या मंदिर में दिया हुआ पैसा वो हम ही को नुकसान करता है, ठीक वैसे ही 29 लाख संगठन हैं, उनको दिया हुआ पैसा आपको बर्बाद कर रहा है। क्योंकि संगठन जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक संघ नहीं बनेगा, और जब तक संघ नहीं बनेगा आप जीत नहीं सकते। इसलिए पैसा देंगे जब, इकट्ठे होके आओगे तब। धन्यवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Sindhu Sirunu Gacchami.